उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से ट्रेनों के बेहतर संचालन के लिए लगातार नित नए कार्य किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों की यात्रा सुखद और सुविधाजनक हो सके। साथ ही ट्रेनों में चल रही अन्य छोटी मोटी परेशानियों को भी दूर किया जा सके। ट्रेनों के संचालन को और सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैक नवीनीकरण, डीप स्क्रीनिंग पुलों के साथ अंडरब्रिज रोड सहित अनेक कार्यों का काम जोरों पर चल रहा है। पिछले कुछ समय से ट्रेनों की सुविधा बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से अनेक कार्यों किया जा रहा है। इसी को लेकर ट्रैक नवीनीकरण, डीप स्क्रीनिंग पुलों का अनुरक्षण, अंडर ब्रिज रोड, ओवर ब्रिज सहित अनेक कार्य प्रगति पर हैं। रेलवे का मानना है कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्रियों को तो बेहतर सुविधाएं मिलेंगी ही, साथ ही आमजन को भी आने जाने में जैसे रेल ट्रैक पार करने में सहित अन्य कई परेशानियों से राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा ट्रैक के लिए आधुनिकतम कार्य तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कार्य की गति बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी अच्छा सुधार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर सर्वोपरि लक्ष्य मानकर कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पर ट्रैक के मजबूतीकरण के लिए कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, थ्रू रेल रिन्यूअल व डीप स्क्रीनिंग के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर मई माह में लगभग 10 किलोमीटर ट्रैक का कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल यानी CTR व 8 किलोमीटर ट्रैक का थ्रू रेल रिन्यूअल यानी TRR का कार्य पूरा किया गया। इसके साथ ही 26 किलोमीटर ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग भी की गई व 53 पॉइंट्स पर डीप स्क्रीनिंग टर्न आउट कार्य किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से रेलवे की ओर से कई काम किए जा रहे हैं जिनके कारण ट्रेनों का आवागमन सुगम हुआ है। मई महीने में उत्तर पश्चिम रेलवे पर 5 पुलों के साथ साथ 3 रोड और अंडरब्रिज और रोड ओवरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4 मानव सहित फाटकों को समाप्त करने का कार्य भी किया गया है। फाटकों को समाप्त करने से दुर्घटनाओं में कमी आई है। आने वाले समय में और भी सुधार रेल संचालन में देखने को मिलेगा। रेल संचालन में संरक्षा यानी सेफ्टी हमारी मोस्ट प्रायोरिटी एरिया होता है, प्राथमिकता होती है, और उत्तर पश्चिम रेलवे पर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि कैसे इसको और हम सुदृढ़ कर सके ताकि हम अपने रेल यात्रियों को एक संरक्षित सुरक्षित रेल सेवा प्रदान कर सके। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा लगातार इस तरह के काम किए जा रहे हैं और इसमें जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है और इसमें हम लगातार सेफ्टी से रिलेटेड काम करते रहते हैं, जैसे कि कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल का काम करते हैं, थ्रू रेल रिन्यूअल का काम करते हैं और इसके अलावा डीप स्क्रीन का काम करते हैं। पॉइंट्स पे हमारा बहुत अधिक फोकस रहता है ताकि और हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें और इन सब कार्यों के पश्चात हमें इसके परिणाम भी मिलते हैं, जिससे हमारे जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उसमें हमारे जो टाइम मार्जिन होता है वो टाइम मार्जिन कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे में, ये हाल फिलहाल में हमने 10 किलोमीटर ट्रैक जो है वो हमने उसका कंटिन्यूस ट्रैक रिन्यूअल किया है, उसी तरह से 8 किलोमीटर जो है थ्रू रेल रिन्यूअल का काम किया है और इन सब काम करने के पश्चात जैसा मैंने बताया कि हमारे जो 87 जो हमारे परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन थे उनमें जो टाइम मार्जिन था उसको कम किया है। ये हमारा पूरा लगातार प्रयास रहता है कि कैसे हम इन सारे ट्रैक के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम लगातार मॉनिटर करते रहें और कैसे और हम सुदृढ़ कर सके। उत्तर पश्चिम रेलवे हमारा जो है कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है यात्रियों को एक संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान करने के लिए। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।